बाथरूम में सुसु कर रहा था और सुसु करते करते मेरे को ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के लिए खाना बनाऊं। और ये मेरा असिस्टेंट कालू, कालू हाय बोल। हाय बोला। अरे दीदी परेशानी, इसलिए मैं पागल हो गया हूँ। ऐसे दिखा रही है, काम कर रही है, ब्लॉग ऑन होते ही कुछ नहीं कर रही थी, बैठी हुई थी उधर कोने में। जैस्मिन अभी भी थोड़ी बेचारी बना रहे हैं, बट आई एम मेकिंग हर फेवरेट चिकन। कितना अच्छा बनाया ना। कभी इतना स्ट्रगल के मिला है मुझे। और अभी मैं बाथरूम में सुसु कर रहा था और सुसु करते करते मेरे को ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के लिए खाना बनाऊं, क्योंकि मैं इंडिया के नंबर वन कुकिंग शो का नंबर वन प्लेयर हूं। एंड आप सब लोग जानते ही हैं। और ये मेरा असिस्टेंट कालू, कालू हाय बोल। हाय बोला। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ओके गाइस, सो गाइस अभी यहां पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। जैसमिन बसीन, क्या आप बीमार हैं? गाइस सॉरी, उसको लाइट नहीं दे सकते क्योंकि जैस्मिन बसीन को लाइट अलाउड नहीं है, बिकॉज जैस्मिन का आई में बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम हो गई हुई है। एंड ये मेरा दोस्त है अरजीत, अरजीत भी बहुत ज़्यादा बीमार है, इनको बुखार है। कौन सी बीमारी है गंदे काम से हमें नहीं पता, वो आप लोग हैं। ये बीमार है दिमाग से। ये मम्मी का चैनल सब्सक्राइब करो। ये इसलिए बीमार है और ये बीमार है क्योंकि इसकी मेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। So guys, hi, मेरा नाम अली कोनी है और मैं आज आप सबके साथ में बताना चाहता हूँ कि मैं आज अपने दोस्तों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं एक ब्लॉगर की तरह बात करूंगा। ठीक है, समझ गया। हाय गाइस, मैं पान करूंगी क्योंकि मुझे पान करना बहुत पसंद है। आज मेरे को ऐसा भी करना है कि मैं दुनिया का मैं बहुत ही अच्छा पान खा रहा हूँ। ये पान सादा है, इसके अंदर गुलकंद है और मजा आ गया मुझे खाना खा के। और ये जो है ये पता वो कौन है, इसके बहुत बड़ा कीड़ा है इसके इसके इधर इतना बड़ा कीड़ा है भाई, दिखा दे, हम उसके ऊपर वो लगा देंगे। हाँ है दूसरी वीडियो बंद कर दी है। हाँ एंड देन जब मैं नॉक कर रही हूं, ही ओपन्ड हिज पैंट एंड ही वाज शोइंग हिज बम। आई हैव दैट वीडियो। ठीक है ना, उसको ओए गाइस, अगर आपको वीडियो देखनी हो आप इसमें कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने भी नहीं देखी नहीं है। आज यदि बस परेशानी, इसलिए मैं पागल हो गया हूं। गेट सम हेल्प। मैं जैस्मिन बसीन के लिए पूरा दिमाग खराब हो गया कि जैस्मिन बसीन ठीक नहीं है। 3 दिन से जैस्मिन बसीन रोज 3-4 दिन से जैस्मिन बसीन बहुत बीमार है और उसका बहुत बुरा हाल है एंड उसकी आंखों की बहुत प्रॉब्लम है। एंड थैंक यू सर। एंड गाइस, मैं अपनी आवाज में वापस आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये इसकी स्टेप वाइफ, किसकी स्टेप वाइफ, ये इसकी सुबह जैस्मिन बीमार है, इसलिए जैस्मिन को हम मस्त चिकन बना के खिलाएंगे। और मेरा भाई अरिजीत बीमार है, उनको बहुत ही अच्छा मस्त चिकन बनाएंगे। बाकी सब गरीबों के लिए देखो क्या कर रही है, दूध नहीं मिलेगा। बाकी सब गरीब के लिए मस्त चिकन। A few inches later. So guys, हमने start कर लिया है and already we have reached here. कि अभी मैं थोड़ा ये करूँगा। मैंने सब बता दिया अली को कैसे बनाना है। घंटा किसी ने बताया मेरे को, ये लोग भी आ गए हैं, बट ये कुछ नहीं है देखो। अरे भाई साहब, ब्लॉगर पहले ही रेडी है। इसको पता नहीं पिछली स्टोरी में क्या बोला है मैंने। क्या बोला है मैंने? कि जो ब्लॉग बनाया वो सुअर। जो मेरे ब्लॉग बनाए वो सुअर। तो मैंने सुना ही नहीं था, तो मैं जो ब्लॉग बनाए वो सुअर। कृष्णा का ब्लॉग मैंने बंद करवा दिया था इसी चक्कर में। यार गजब तू भी आज आदमी हो। तो अभी देख लो अगर भाई को, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। तो गाइस अभी मैं आज चिकन बना रहा हूँ क्योंकि वैसे भी हमें नॉनवेज बनाने का मौका मिलता नहीं है शो में। सो आज मैं सोचा कि चिकन बना देता हूँ एंड अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाता रहूंगा कैसे बनेगा। 5 minutes later ने चिकन डाल दिया है इसमें, प्याज कर दिया है, यहाँ से प्यूरी बना ली है। और ये चिकन, ये चिकन जैसे मैं उठा रहा हूँ और ये देखिए ये चिकन उठा दी भाई, ये इसी। अरे यार ऐसे दिखा रही है, काम कर रही है, ब्लॉग ऑन होते ही कुछ नहीं कर रही थी, बैठी हुई थी उधर कोने में, किसी काम की नहीं, ऐसी बैठे हुए ये सब कर रही थी गाइस। और भाई तू आलू भी इसमें थोड़े डाल दे, जीरा वाले आलू, वेज वालों के लिए भाई थोड़ा तेल डाल
और आलू को उसमें नहीं जाएगी जाएगी, आईफोन की आवाज़ अच्छी होती है, आईफोन की आवाज़ जाएगी। तो अरे तू घुमा, उल्टा घुमा बाबा। Unbelievable guys, look at this. सोनी दिस गाइस, अब मैंने प्याज व्याज काट दिए हैं यहाँ पे, टमाटर की प्यूरी हमारी एक्स्ट्रा बन चुकी है और अब मैं इसको हल्का सा थोड़ा फ्राई करके इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें डाल के थोड़ा ढाबे स्टाइल खट्टा खट्टा टेस्टी बनाऊंगा। गाइस ये देखो, व्हाट काइंड ऑफ मिर्ची इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई एम नॉट लाइकिंग इट। ये कहाँ चली गई, यहीं तो थी। ओह अच्छा। सो गाइस देखो ये यहाँ पे हालात हैं, बाकी ये तो आपको पता ही है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। मतलब हम जब बैठे हैं ये तभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी मैंने पसीने निकल कर ले रहे हैं प्याज काट काट के। खाओ माँ कसम, झूठ फ्रॉड। वो मैं चिकन मसाला नया मंगाया मैंने गाइस, मतलब देखो ये इतने बड़े बड़े छह छह फुट के लोग बैठे हुए कमरा पूरा ब्लॉक करके। देखो ये मैं काम भी नहीं कर रहे, मैं ये लेके आया हूं, वो काम भी नहीं कर रहे। अरे भाई वो एडिटर भी, आप ब्रांड छुपा देना पैसे। ना मैंने छुपा दिया, उंगली लगा के ऐसे दिखा रहा हूँ। कृष्णा मुखर्जी आपके कैमरा ऐसे करना, आपकी छोटी क्यों, ऊपर क्यों दिख रही हो? नहीं गाइस कैमरा है। तो मिर्ची की हालत बोलती मिर्ची नहीं है लोग, अरे है ना, ये देखना ये देख, काली मिर्ची वेरी नाइस कश्मीरी, ओके माफ कर दिया बिकॉज कश्मीरी है, कश्मीरी में तेजी नहीं होगी, कश्मीरी में ऐसा जैसा कुछ कलर आने लग गया है। सोचो मैंने आपको बोला कि थोड़ा वो डाबे स्टाइल बनाना, थोड़ा ड्राई रहता है, उसमें ज़्यादा पानी वानी नहीं रहता, तो इट्स लिटिल ड्राई। और थोड़े दोस्त जैस्मिन एंड अर्जित बीमार भी हैं, सो आई थॉट कि लेट्स डू, सब इसमें प्यूरी भी जाएगी एंड दही भी जाएगा। 20 मिनट्स लेटर, हियर वी गो गाइस, अभी इसमें थोड़ा सा दो तीन मसाले डाले हैं मैंने, प्यूरी डाल दी है, अब इसमें हल्का सा कसूरी मेथी डाली है। सो बेसिकली अभी ये इसको हम अच्छे से पहले उबालेंगे, क्योंकि उबलने के बाद ये थोड़ा सा जो हमारा ग्रेवी है, नहीं सीटी लगती, मटन नहीं है, चिकन है, हाँ चिकन में सीटी लगती। तो भाई इसको भी हम ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे। और क्या हो गया गाइस, ये कुत्ते से डरती है, इसलिए कुत्ते से डरती है, उसकी यही हालत हो जाती है। सो या मैन ये देखो ये क्या हो रहा है इधर, ये वो आपने देखी थी वो एक नेटफ्लिक्स पे शो आया था ब्लैक मिरर, ये वही है ब्लैक मिरर, कोई खाना बना रहा है, ये देखो बेचारी और बेचारा, देखो आप कोई खाना बना रहा है, मैं तो अपनी दिल की बात रख रहा हूँ ना, मेरा तो बनता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अभी यहाँ से दूसरा मैं साइड में बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, आलू भी, आलू आलू काट लिए भाई, आलू काट लिए बहन, जो मतलब पूरा पहाड़ी आपका हो गया है, हैं पहाड़ पे, मतलब आपने दो पत्ते पत्ते दो लगा लिए, मतलब पूरा का पूरा खेत आपका है। much later, ये देखो ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इस पे एंड में जो मेरा फेवरेट है, मैं इसके ऊपर कच्चे प्याज डालता हूँ, कच्चे प्याज से एक बहुत ही डिफरेंट, मुझे प्याज बहुत पसंद है, सो जब भी मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ बनाता हूँ ना एंड में मैं उसमें कच्चे प्याज, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाना कुछ भी रेडी हो जाए यस, उसमें अगर आप कच्चे प्याज डालोगे ना तो उस चीज़ का ना मतलब रंगत ही चेंज हो जाती है और टेस्ट तो मतलब माशाल्लाह हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी गाइस यू विल लव इट, तो आप ये ट्राई करना, ये भी रेडी हो गया हुआ है। एंड वो देखिए वो जैस्मिन है, वो अर्जित है, वो खेल रहे हैं, जैस्मिन अभी भी थोड़ी बेचारी बना रहे हैं, बट आई एम मेकिंग हर फेवरेट चिकन, ये उसका फेवरेट चिकन है एंड मैं बना रहा हूँ, सो लेट्स सी। 5 minutes later. Here we go, guys. Finally, chicken is ready. सबको टेस्ट करा लिया, guys कैसा बना है सच बताओ? बहुत बढ़िया, लाजवाब. कैसा बना है? मजा आ गया, guys. खट्टा खट्टा नींबू वाला मस्त चिकन बन गया है. इसको थोड़ा ऊपर अभी खट्टा खट्टा पसीने वाला. पुदीना नहीं आवाज़ है, सॉरी है. इसको बोलते हैं धनिया डाल दिया. थोड़ा सा वो धनिया डाल दिया है. एंड कोरिएंडर एंड अब जो मैं बाकी अभी लेके आएंगे जैस्मिन पे, फिर से मैं कैमरा नहीं डाल सकता बट ये यहाँ पर है, मैं कैमरा बंद लाइट बंद करके आपको दिखाऊंगा जैस्मिन। चलो ये गाइस ये लोग जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, तो अभी ये सब टेस्ट करेंगे एंड विल सी कि हाउ डू यू, ये छोटू छोटू, सो
Oh my god. कैसे है? अली का है? Food is amazing. ले जा ले प्लेट गाइस राइस थोड़ी में बाथरूम में यस 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 तो ना सर राइस मिस करना आई थिंक उसमें से नमक ज्यादा कर दिया होगा थोड़ा सा नमक ज्यादा शायद इसमें तू मिक्स इट नमक बहुत मैं नहीं मैं अपना नहीं आप उसे बनाया ज्यादा है मैसेज खाया उसको के समय a few moments later Jasmine अभी बंद है ये I'm really sorry guys Jasmine की आंखें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हम लाइट्स में उसको नहीं रख सकते हैं बहुत पेन में है I'm really sorry Jasmine पर अभी वेरी स्वीट ऑफ यू यार तूने मेरे लिए चिकन बनाई कितना अच्छा बनाया ना कैसे है ब्रो बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है बेचारा तीन दिन खुशबू से बहुत बढ़िया लग रहा है अरे वो तो मेरा फर्ज है यार Jasmine कैसी बात कर रही है मच लेटर बाय कृष्णा थैंक यू सो मच मुझे खाना बनाने देने अपने किचन में चलो बाय साथ में बाय ब्रो मुझे इतना आज तक पान खाने का बंद करते ना मेरे मुँह सादा पान विद गुलकंद ओहो दो खाली सुबह से दो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे हाय गाइस सो हम घर पे आ गए हैं एंड पिछले तीन चार दिन हमारे बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा गंदे निकले हैं इट्स लाइक उसकी आंखों में जो हुआ है वो इतना ज़्यादा पेनफुल है इतना ज़्यादा पेनफुल है कि आई कांट इवन टेल यू मतलब वो दिल्ली एक इवेंट के लिए गई थी एंड जस्ट उस इवेंट से पहले उसके आँखों में उसने शायद गलत लेंस लगा लिया एक्सपायर्ड लेंस था कि कुछ तो इशू हो गया है लेंस के थ्रू वजह से जिससे उसकी जो आँख का कॉर्निया होता है वो डैमेज हो गया दोनों आँखों का उसने कितनी मुश्किल से वो शो किया है क्योंकि कमिटमेंट था कुछ और होता तो शायद कोई और होता तो मे बी काफ़ी उसकी जगह तो वो शायद वो शो नहीं करते क्योंकि वो लिटरली रो रही थी दर्द से उसकी लिटरली आँखों का विजन चला गया था दोनों आँखों का उसको कुछ नहीं दिख रहा था एंड उसने शेड्स लगा के वो पूरा का पूरा इवेंट किया हैट्स ऑफ टू हर हैट्स ऑफ मतलब कमिटमेंट देखो आप उसका उसने लिटरली वो पूरा इवेंट किया है शेयर्स लगा के आप सब लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उसके बाद उसने कैसे फ्लाई किया यहाँ तक सुबह 7 बजे वो ही जानती है थैंक्स टू आवर मैनेजर अकरम वो पूरा टाइम वहाँ साथ था इवन जो इवेंट वाले भी थे उन्होंने भी अच्छा साथ दिया बहुत मुश्किल से वो बॉम्बे पहुँची तब तक मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह लेके रखी थी बेस्ट डॉक्टर जो है आए के उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि उसकी दोनों आँखों का कॉर्निया बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है आँखों के दर्द के लिए कोई पेन किलर नहीं होता ऐसा उन्होंने बोला सब ड्रॉप्स डल रहे हैं एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स डल रहे हैं बाकी टीयर्स एंड ऑल बट इतना पेनफुल है कि लिटरली पिछले 3 दिन से मैं उसको 1 सेकेंड भी अकेला नहीं छोड़ पाया हूँ थैंक गॉड मेरा कोई शूट भी नहीं था मैं उसको लिटरली 1 मिनट नहीं छोड़ पाया क्योंकि इतने पेन में मैंने Jasmine को पहले कभी नहीं देखा इतने पेन में उसको मैंने एंड बट फिर भी आज 4th डे है एंड बहुत बेटर हो चुकी है पहले से डॉक्टर ने आज हमें पूरा एवरी मॉर्निंग हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसको दिखाने तो डॉक्टर ने दिखाया कि जो साइड से जहाँ पर डैमेज हुए कॉर्निया का वो काफ़ी ज़्यादा हील हो रहा है क्योंकि वो खुद ब खुद हील होगा हम पूरा टाइम में लाइट्स बंद करके बैठना पड़ता है 3 दिन से कोई टीवी नहीं है फ़ोन नहीं देखती हो उसका जो भी कमिटमेंट पोस्ट है वो मैं कर रहा हूँ एंड लाइट्स पूरी ऑफ रखनी पड़ती है आज बहुत ही हिम्मत से सब फ्रेंड्स ने कृष्णा आई थी यहाँ पे सब बैठे थे चिल करते दिन उसके घर गए हम तो मैंने सोचा चलो उसको अच्छा लगता है वो खुश हो जाती है जब मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ सो मैं उसके लिए चिकन वगैरह बनाया बट शी वॉज स्टिल इन वेरी बहुत ज़्यादा पेन में थी तो हमें घर वापस आना पड़ा नाउ शी स्लीपिंग उसकी मैंने सारी दवाइयाँ लगा दी उसको
तो बहुत मुश्किल से उसको नींद पड़ती है, सो पेनफुल, मतलब वी कांट इवन इमेजिन, क्योंकि जिसको होता है उसी का पता है। एंड आई होप गाइस कि जैस्मिन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी काफ़ी शूट लाइन अप है। एंड आप लोग भी सब दुआ करना कि जैस्मिन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो या गाइस, ये व्लॉग सडनली ऐसे ही बना, हम कर्जत जाने वाले थे, दो दिन वहाँ रहने वाले थे, बट ये सब हो गया तो हमारा कैंसिल हो गया। एंड आरजीत भी बीमार हो गया था तो हम जा नहीं पाए, बट जैस्मिन की हालत मतलब लिटरली वो शेड्स के बिना रह नहीं पाती है। एंड इट्स आई थिंक आप सब भी उसके लिए जरूर प्रे करना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाय गाइस, सो आज सुबह बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है क्योंकि जैस्मिन वसीम थोड़ा बेटर फील कर रही है आज। जैस्मिन वसीम बेटर फील कर रही है। एंड यस गाइस, आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा इंस्टा पे हर जगह प्यार दिया है, दुआएं करते हो, तो इसीलिए क्योंकि रिकवर होना बहुत इम्पोर्टेंट था। ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आँख का मामला है, एंड आँख के मामले में आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ नहीं होती, बट अभी भी थोड़ी प्रिकॉशंस तो बहुत है जैस्मिन को, है ना, काफ़ी चीज़ों को लेकर अभी मतलब वो चीज़ फीलिंग वेरी टायर्ड। एंड बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। एंड बस यही कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए इंसान की इश्यूज, बिना इशू जाने लोग बहुत ही ज़्यादा बकवास करने लग जाते हैं। एंड एग्जैक्टली इमेजिन जैस्मिन की वो वीडियो आई थी जिसमें वो चल रही थी, उस पर लोगों ने कितना गलत गलत लिखा कि शी इज़ ड्रंक, ये किया है, वो किया है, मतलब बिना जाने क्या क्या लिखते हैं। एक्चुअली वो सब वेले है। सो बेसिकली उनका इशू क्या है ना, ये सब पापा की ईएमआई पे फ़ोन ख़रीदने वाले लोग हैं, ये जो खुद भी नहीं कमाते हैं, ये बस घर में बैठ के बाप के पैसों पे पलने वाले, उसमें से ईएमआई पे फ़ोन लेने वालों को फ़ोन पकड़ा दिया है घर वालों ने। आई थिंक उनको थोड़ा घर वालों को ना उनको भर छोड़ देना चाहिए घर के। एंड उनसे बेटर तो गली के कुत्ते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं, एंड जब आप उनके पास जाओ तो आपको प्यार करने आते हैं, वो भी इंसान को समझते हैं। बट ये जो लोग हैं ना, मैं तो ये कभी कभी सोच के हैरान, तो मतलब छोड़ दो जैस्मिन की चीज़ छोड़ दो, काफ़ी लोगों को बहुत लोग उल्टा उल्टा ट्रोल करके उनकी बीमारियों को लेके, किसी के मोटापे को लेके, किसी के पतले होने पर लेके बहुत कुछ बोलते रहते लोग। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये चूतिए जितने भी हैं, ये जितने भी चूतिए हैं, इनको इतना एहसास नहीं होता है कि यार मतलब कल को ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है, कल को ये सब तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली में किसी तुम्हारे करीब के साथ भी हो सकती है। मतलब लावारिस तो नहीं हो ना तुम, तुम्हारे घर में माँ बाप हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। एंड मतलब मरना है था भाई सबको, एक दिन सबको मरना है, कोई पता नहीं तुम कल हो कि नहीं हो, कोई पता नहीं इस दुनिया में कोई अगला इंसान है कि नहीं है, आज जी रहा है कल सुबह सांस लेगा कि नहीं लेगा, सुबह सूरज देखेगा, तुम्हें नहीं पता है। क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके भगवान को यार, क्या मुंह दिखाओगे। मतलब लोगों का ठीक है यार, तुम्हें मज़ा आता है, यू गाइस कॉल योर सेल्फ ट्रोलर्स, जो बेसिकली मेरे लिए एक जो फ्लश करने के बाद एक टट्टी नहीं बच जाती है, जो जाती नहीं है, ये वो लोग हैं। और आई एम श्योर ये आप, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब वो लॉलीपॉप चूसने वाले बच्चे हैं, इनको जब पापा मम्मी लॉलीपॉप नहीं देते हैं तो ये पागल हो जाते हैं। छोटे तो बच्चे छोड़ो, बड़े भी बहुत बोलने लग गए हैं। एंड मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ, इवन जिनका ये इवेंट था उनको भी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इंसान की आँख में जब प्रॉब्लम होती है तो आई होप कि सब लोग समझ पाएँ कि कोई भी कभी कोई इंसान को ज़बरदस्ती नहीं करता। एंड स्पेशली मी एंड जैस्मिन, हम तो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, हम कभी भी, हमने ऐसी थी टाइम पे अपने कमिटमेंट्स पूरे किए ना जब लोग सब घर में बंद पड़े हुए थे, कोरोना के टाइम भी हमने अपने कमिटमेंट्स पूरे किए हैं। सो या बाकी छोड़ो फकट, क्या इस बारे में अब इतना बोलना। एनीवेज यू ऑल प्रे फॉर जैस्मिन एंड श्योर शी बी फाइन, शी इज़ ऑलरेडी फीलिंग बेटर। एंड गॉड ब्लेस यू, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, बाय।